बरसात के बाद अचानक प्रकट होने वाले मशरूम अनंत काल से मानव जाति को प्रभावित करते रहे हैं। मशरूम को कुछ लोग शैतान की टोपी कहते हैं, जबकि कुछ लोग इसे शाही खाद्य भी कहते हैं। चीन और ग्रीस समेत कई अन्य सभ्यताओं ने इसके औषधीय गुणों को भी मान्यता दी है। मध्य युग के दौरान कई देशों में मशरूम की खेती की छिटपुट कोशिशें हुई। हालांकि इसकी खेती के वैज्ञानिक आधार की स्थापना 20वीं सदी के शुरू में शुद्ध कल्चर तकनीक के विकास के साथ ही हुई थी। सदी के शुरू में मुख्य रूप से बटन मशरूम की ही खेती होती थी, पर आज दुनिया के भिन्न हिस्सों में करीब 60 किस्मों के मशरूम उपजाए जाते हैं। राष्ट्रीय खुम्भ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत 1983 में सोलन, हिमाचल प्रदेश में की गई थी। 1997 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय खुम्भ अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। दिसंबर 2008 में इसे खुम्भ अनुसंधान निदेशालय का दर्जा दिया गया। यह निदेशालय कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर शिमला से 45 किलोमीटर पहले स्थित है। उस समय के केंद्रीय कृषि मंत्री डॉक्टर जी एस ढिल्लन ने 21 जून 1987 को इस निदेशालय का औपचारिक उद्घाटन किया। यह निदेशालय मशरूम से संबंधित सभी पहलुओं पर अनुसंधान करता है। बुनियादी अध्ययन के अलावा निदेशालय भिन्न किस्मों के मशरूम की खेती की तकनीक का विकास तथा देश भर में मशरूम अनुसंधान का संयोजन अखिल भारतीय खुम्भ सुधार समन्वित परियोजना केंद्रों द्वारा करता है। मशरूम जैसी गैर परंपरागत फसल के लिए तकनीकों के प्रभावी हस्तांतरण के लिए निदेशालय के तहत ये केंद्र आवश्यक प्रशिक्षण और इसके विस्तार के लिए कार्य करते हैं। देश की मशरूम जैव संपदा का संग्रहण एवं वर्गीकरण, मशरूम की किस्मों में अनुवांशिक सुधार एवं बेहतर पैदावार और गुणवत्ता के लिए तकनीकी सुधार निदेशालय के मुख्य उद्देश्य हैं। देश में मशरूम की जैव संपदा के संग्रह, पहचान, वर्गीकरण और संरक्षण के लिए लगातार देश भर में सर्वेक्षण किया जाता है। निदेशालय का राष्ट्रीय जीन बैंक इस सिलसिले में देश में मशरूम के अनुवांशिक संसाधन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जैव संपदा का आणविक स्तर पर चरित्र चित्रण, कल्चर की सही पहचान तथा विविधता से संबंधित विश्लेषण के लिए किया जाता है। निदेशालय के अनुवांशिक उन्नयन कार्यक्रम में मशरूम के बुनियादी जीव विज्ञान, भिन्न मशरूम की यौनिकता शैली, सिंगल स्पोर संवर्धन व उनका निषेचन व्यवहार और बेहतर उपज व मशरूम की गुणवत्ता के लिए अनुकूल संस्करण शामिल हैं। इसके अलावा निदेशालय देश में मशरूम की खेती के विविधीकरण पर भी ध्यान दे रहा है तथा कृषि तथा मौसम की परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न खुम्बों के उत्पादन पर जोर दे रहा है ताकि ऊर्जा की आवश्यकता कम हो और मशरूम की खेती मौजूदा खेती प्रणाली में शामिल हो सके। मशरूम की उच्च गुणवत्ता वाले बीज जिसे स्पोन कहा जाता है तैयार करने के लिए कई अनुसंधान किए जा रहे हैं। उपयुक्त पोषाधार वाली सामग्री की पहचान, उसके पूर्व उपचार, संशोधन, संचारण, भंडारण और परिवहन सहित स्पोन तैयार करने के तरीके का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता वाले सस्ते कच्चे माल की पहचान, उनका पूर्व उपचार तथा इसके प्रसंस्करण की तकनीक कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर निदेशालय में सक्रिय अनुसंधान चल रहा है। निदेशालय ने बटन मशरूम के लिए पर्यावरण अनुकूल द्रुत कंपोस्टिंग तकनीक का विकास किया है। कई अन्य मशरूम से संबंधित खेती की तकनीक पर लगातार अनुसंधान किया जा रहा है ताकि देश के विभिन्न राज्यों में मशरूम के विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए मुश्किल गर्म पानी द्वारा उपचार की जगह गेहूं के पुआल के रासायनिक निर्जीवीकरण की तकनीक का विकास इस निदेशालय में किया गया।
इसी तरह मिल्की मशरूम की खेती के लिए ऐसी ही तकनीक का विकास किया गया है। निदेशालय द्वारा मानकीकृत की गई कुछ अन्य तकनीकियों में गेहूं के पुआल पर ऑरिक्युलेरिया, सिंथेटिक लॉग्स पर गेनोडर्मा एवं शिटाके, धान के पुआल के अलावा कॉटन वेस्ट पर पेरिस्ट्रॉ मशरूम आदि की खेती शामिल है। पिछले 2-3 दशकों में निदेशालय ने कई अन्य मशरूम जैसे विंटर मशरूम, स्ट्रोफेरिया, हेरिसियम, माइकोसाइब जिजेंटम आदि मशरूमों की खेती के लिए भिन्न तकनीकियों का विकास किया है। निदेशालय के विशेषज्ञ फसल चक्र पर नजर रखते हैं तथा बीमारियों और कीटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए नई तकनीकों से संबंधित अनुसंधान निरंतर किए जाते हैं तथा नई तकनीकियों को किसानों के स्तर पर पहुंचाया जाता है। निदेशालय फसल तैयार होने के बाद उनके प्रबंधन जैसे कूलिंग,